क्या बताएंगे इसके लिए आप? इस वक्त देखा जाए तो एक अच्छा नंबर खासतौर पर आपका भी दिखाई दे रहा है और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का भी, इस जीत को या इस स्पेशल को क्या कैसे आप ये जीत लोगों से बोल पाए पाकिस्तान बोल पाए हर एक जम्मू कश्मीर के बाशिंदे की जीत है, जिसने पूरा अपना ईमान अपना वोट जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया है। मैं तहे दिल से हर एक जम्मू कश्मीर के बाशिंदे को और हमारे लोगों को मुबारकबादी देता हूं। जिस तरीके से ट्रेंड्स आ रहे हैं, इंशाल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने दम पे हुकूमत बनाएगी। बहुत अच्छे ट्रेंड जम्मू से भी आ रहे हैं, कश्मीर से भी आ रहे हैं, बहुत सारी सीटों पे डिक्लेयर भी हुआ है। मैं आपकी वसादत से जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद दे। कुछ लोगों का पहले ही मानना था कि जश्न हम मनाएंगे और लोग देखते रहेंगे। जश्न हमने मनाना है, अब ये बहुत एक बड़ा एक मैंडेट जम्मू कश्मीर के लोगों ने दिया है। हम हर एक जो मेंबर आज जीत के आ रहा है, एक एश्योरेंस दे रहा है जम्मू कश्मीर के लोगों को, जो उनने हमारे ऊपर यकीन दिया है उस यकीन पे हम खरा उतरेंगे और कभी भी हम बीजेपी के साथ हाथ नहीं। सर, अलायंस के साथ साथ देखें तो कोई ऐसे सिचुएशन को आप ग्राउंड करेंगे? अभी जब आप सरकार बना रहे हैं तो क्या ओथ रहेगा? अभी तो ये ट्रेंड्स आ रहे हैं, अभी देखें लीडरशिप बैठेगी, हमारी लीडरशिप इसके ऊपर सोचेगी, उसके बाद इंशाल्लाह जो ही फाइनल रिजल्ट आएगा उसके बाद उमर साहब फारूक साहब बात करेंगे मीडिया के साथ, आप सबके साथ। बट आज के दिन में एक खुशी का दिन है, जम्मू कश्मीर जीत चुका है। जम्मू कश्मीर ने जो 2019 से इतनी तबाहियां और बर्बादी देखी है, उस तबाही को अब ख़त्म करना है, एक नया शुरुआत करनी है। जम्मू कश्मीर के लोगों के जो ऐसा साथ है उनको रिप्रेजेंट करना है। हर एक वर्कर, हर एक लीडर, हर एक आदमी यहाँ जो दबा हुआ था, आज वो उस पिंजरे से खुल चुका है और मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा। और मैं खासकर आपके वास्ते जेडीबल के लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं, जिन लोगों ने मुझे एक बहुत ही मैसिव मैंडेट दिया है। मैं उनसे वादा करता हूं कि जो उनका मैंडेट होगा वो उनकी बेहतरी के लिए। बस और कोई नहीं है, और कोई नहीं है। मिठाई चेक कर लेना ना, शुक्र मिठाई ना बस। Bu sabah kamera.